गाइस ये है अल्बर्ट म्यूजियम कार का। तो दोस्तों अभी हम लोग अल्बर्ट म्यूजियम आए हैं, ये काफी फेमस है यहाँ का, इसको अल्बर्ट हॉल भी बोलते हैं। इधर से ओके okay. आप कैमरा चला रहे हो? मोबाइल फोन है, पहले नीचे जाओ, फिर पहले नीचे फिर ऊपर फिर वहाँ नीचे ऊपर फिर एक राउंड लगा के जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट फ्लोर गैलरी में क्या क्या है। कॉइन्स है, मार्बल आर्ट, लाख का कला, उसके बाद टेक्सटाइल, उसके बाद क्ले मॉडल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, ज्वेलरी, नोडन वर्क, राइट। चले पहले आके यहाँ पे देखते हैं म्यूजियम। तो मैं तो डिटेल में पढ़ नहीं पाऊंगा, आप पढ़ लो यहाँ पे जो लिखा है, बट ये मेटल आर्ट है। सेंचुरी एडी हाँ, इसका है एक्चुअली महाभारत की सुराही। ये क्या है? यहाँ पे और भी कुछ है बड़े बड़े, पता नहीं ये क्या है, ये काफी बड़ा है यार, ये पता नहीं क्या है। ये इसको बोलते हैं महाभारत शील्ड, दिस इज रामायण शील्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको बोलते हैं रामायण शील्ड, और ये है आपका महाभारत शील्ड। तो यहाँ पे महाभारत की जो स्टोरी है उसको डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। और ये है आपका रामायण का शील्ड, तो यहाँ पे रामायण का डिपिक्शन है। ये आप देख सकते हो, ये है गरुड़ की प्रतिमा, ठीक है, और ये बना है 20th century AD में, विच इज़ लाइक मोर देन 100 years फ्रॉम नाउ। और इसको बोलते हैं विराशन मुद्रा, आप यहाँ पे देख सकते हो जो लिखा है यहाँ पे। और इस कमरे में क्या है? यहाँ पे जीसस का कुछ है। सो दिस इज द मीडिएवल यूरोपियन कलेक्शंस। These are very very beautiful collections. That means this is a sculpture from Nepal, the sculpture of Buddha, and it is called Bhumispash Mudra. So आप इस मुद्रा में देख रहे हो अभी भगवान बुद्ध को, ये Bhumispash Mudra में है। कितना बड़ा इनको सुराही है। ये जो है अब देख रहे हो, ये सब जापान की कलाकृतियां हैं, जापान में बनाए गए स्कल्पचर्स। जो मुझे दिखने में लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पुराने स्कल्पचर्स हैं जो यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं इस संग्रहालय में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब पॉटरीज हैं फ्रॉम टर्की, टर्की में जो यूज होते हैं उसके, जैसे ये है आपका टी पॉट, टी कप्स, बट ये सब काफ़ी पुराने हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने। थोड़ा दिखा देते हैं आपको जल्दी जल्दी, बिकॉज बहुत सारे चीज़ हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे और आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई गाइड्स भी नहीं है जो एक्सप्लेन करे आपको ये क्या है, आपको पढ़ के कुछ समझना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर आपकी हिस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी है तो प्रॉब्ली यू कैन रिलेट, टाइम लगेगा, हम लोग अभी लेट हो गया आते आते, बस हमारे पास 45 मिनट्स है पूरा घूमने के लिए।
तो पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो बस सुराही रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के और नॉट कलर के साइज के और डिज़ाइन के। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं। जैसे ये देख सकते हो कि ये आपका टेंपल डोर है लेफ्ट पार्ट, जो ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना है। और ये है यक्षी वाराणसी से, और ये 4th century AD का है, मतलब 1500 साल पुराना, काफ़ी सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पर, है ना। ये तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी पुराने हैं, 1500 साल 1000 साल पुराने हैं यहाँ पे, विच इज़ गुड। अच्छा, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पे है? इधर से चलते हैं धीरे धीरे। ये है वामन विष्णु, सो विष्णु का वामन रूप, ये भी 10th century AD का है। इट्स गुड। आई विश दैट वी हैड मोर टाइम टू सी दिस ऑल आर्टिफैक्ट्स वी डोंट हैव। सैंडस्टोन बट द हेड इज मिसिंग आउट हियर। या सैंडस्टोन गंधारा। अब देखो देखो ये पेशावर से है, पाकिस्तान से। ये सैंडस्टोन का मूर्ति है जो बुद्धा का है, और ये 4th century AD का है। कितना अमूल्य है ये सब आर्टिफैक्ट्स, आप समझ सकते हो इससे। ये भी पेशावर से है, पाकिस्तान से, बुद्धा का मूर्ति, वही 4th century AD का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आर्म्स आर्मरी गैलरी, देखते हैं वहाँ पे क्या है, आपको भी दिखाते हैं। यू कार्ड दिस गाइस, सो दिस आर द शॉर्ट्स यूज्ड बाय वेरियस महाराजास, राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मुगल का, हैदराबाद का, और उन्ना, ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ईरानियन, देन जयपुर का शॉर्ट। सो डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट प्लेस के जो सोर्स यूज हुए हैं पुराने ज़माने में, उन सबका यहाँ पे कलेक्शन है, आप देख सकते हो। आप बताओ कौन सा टिया, विच वन यू लाइक, विच शॉर्ट यू लाइक, टेल मी। ओके, व्हाई? बिकॉज़ इट इज मोर पावरफुल, ओके, और डिफरेंट वराइटीज़ के राइफल्स जो यूज होते थे 100 ईयर्स पहले, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 19th century का है ये वाला जो है, और ये पाकिस्तान में यूज होने वाला ये राइफल है, ये जो देख रहे हो साइड में, ये वाला, और ये है पाउडर हॉर्न, 19th century में जयपुर का कलेक्शन है ये। Oh wow! So this is the real helmet and iron chain mail which was used by the soldiers. You see, looking very, very deadly and deadly. Yeah. Ferocious and fearless. Correct. I mean, if you can think that how these soldiers were carrying so heavy things, walking miles and miles and miles. देखिए यार बंदूक, ये देखो यार कितना बड़ा बंदूक है, तो भी जैसे दिख रहा है मुझे, माय गॉड, 17th century में ये सब इस तरह के बड़े बड़े बंदूक यूज होते थे। आई थिंक कम से कम 1 मीटर लंबा हुआ ये सारे, ये सारे बंदूक। And these are the armors used by the Mughals. Mughal period cannon, sir. How did this guy get it? They might have found it somewhere. Collection, this is a collection, right? I think here shop swords ke sare handles hai. Muth.
जिसको बोलते हैं शोर्स का लगा रहता है ना पकड़ने के लिए, ये सब उसके हैंडल्स हैं, वो तो बोलते हैं इसको। और ये देखो डिफरेंट तरीके से नाइव्स, टाइगर नाइफ बोलते हैं इसको, डिफरेंट तरीके से नाइव्स जब यूज करते थे। गुड, हेड गियर्स यूज बाय द मुगल्स, राजा मान सिंह, राइट, 19th century, 17th century। आप देख सकते हो तो ये सेकंड है वो राजा मान सिंह का है ये वाला। तो अभी हम लोग सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं, यहाँ पे दो फ्लोर्स हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो यहाँ से अभी हम लोग आए, और देन वी आर गोइंग टू द सेकंड फ्लोर फॉर सम मोर मोर थिंग्स टू सी। आप देख सकते हैं ये कितना पुराना है यार, ये देखो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड का है, मतलब 1600-1700 साल पहले। दोस्तों देखो एम्परर के अकबर के टाइम पे जो कॉइन यूज होते थे उसका भी यहाँ पे कलेक्शन है। इब्राहिम लोधी, ये भी एम्परर अकबर का है, काफी सारे कॉइन्स अकबर के टाइम पे यूज हुए हैं, देख सकते हो कुछ ब्रास के कुछ सिल्वर के, और ये देखो एम्परर औरंगजेब कौन सा यूज करते थे कॉइन्स, जहांगीर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, शाहजहां। लगता है हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में क्या उसी टाइम में चले गए हम लोग, ऐसा लग रहा है। सो गुड टू सी दिस। उसके बाद आ जाएगा अपना राजस्थान में जो राजा महाराजा रहते थे उनका जो भी कॉइन्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो महाराजा सवाई माधो सिंह, विक्टोरिया एम्प्रेस विक्टोरिया के टाइम पे जो कॉइन्स यूज होते थे, इसके बाद ब्रिटिश इंडिया टाइम में जो कॉइन्स थे, दिस इज रियली नाइस नाइस कलेक्शन। तो दिस इज द स्केलेटन ऑफ द मम्मी, that one is inside this. तो आप देख सकते हो ये पुराना चैरियट है, वुडन चैरियट्स जो 19th सेंचुरी में यूज होता था, ऑलमोस्ट 200 साल पुराना। दिखाते हैं आपको बाहर से कितना ब्यूटीफुल है, इट इज रियली ब्यूटीफुल यार, जो लाइट लगाया है ना जबरदस्त है, मतलब ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली प्लेस्ड, आप देख सकते हो। और देखो दोनों चल के आ रहे हैं, कुछ बोलो कुछ तारीफ करो यार, इतना खूबसूरत है यार, शाम को इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगता है सारे पैलेस शाम को ही आने चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी लाइटिंग होती है ना तो और मजा आता है, दिन में पता नहीं चलता इसकी खूबसूरती, बस रात को लाइटिंग के साथ इट लाइक्स अमेजिंग, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, एक्चुअली फ्रॉम द रोड इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल, वी आर इनसाइड द प्रेमाइस नाउ, तो बट आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके कैप्चर करूँ, बट दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल यार, सो मेनी कलर्स राइट, आई थिंक इट अलाइंस विद द कलर्स ऑफ राजस्थान डेफिनेटली। तो हमारा अडवर हॉल का विजिट ख़त्म हुआ अभी,
जैसे आपको बताया था मैंने कि ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला हमको करने के लिए, बट जितना कैप्चर किया है आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। अभी जा रहे हैं खाने के लिए, यहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे चलेंगे और फिर आपसे मिलते हैं फिर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अपना अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, और उसके जस्ट डायगोनली अपोजिट में ये अपना एक बड़ा फेमस यहाँ पे फूड कोर्ट है जिसका नाम है मसाला चौक, स्वाद राजस्थान से। अब देख टाइमिंग भी देख सकते हो यहाँ पे, एंट्री टिकट इसका 10 रुपये है। तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। तो ये एंट्रेंस है उसका, हमने अभी 10 रुपये पे किया एंट्री टिकट और अभी अंदर जा रहे हैं। लोकेशन तो अच्छा लग रहा है यार, इधर आओ, इधर इधर आओ। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं लग रहा है, देखते हैं अंदर जाके कैसा है। अच्छा पूरा इटरी है, पूरे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, पूरे आई थिंक करीब 20-25 लगे हुए हैं, राइट। पता नहीं इसका एंट्री टिकट भी क्यों लेते हैं, कुछ देखने के लिए है क्या यहाँ पे, खाली पैसा दे के खाना ही तो है। बैठने के जो बैठने की जो सुविधा है, बैठने के लिए भी कहाँ जगह है, ज़्यादा नहीं है अभी क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट आए ना यहाँ पे, अभी 9:30 बज रहा है। जैसे कि क्या मिल रहा है यहाँ पे, महावीर राबड़ी भंडार, सोच रहे हैं कि राबड़ी खाएं यहाँ पे। राधा गोविंद बर्तन, तो बर्तन ही बेच रहे हैं यहाँ पे, अंडे वाला इधर अंडा ही बेच रहे हैं यहाँ पे। हाउस ऑन फायर, यहाँ पे सिजलर है शायद, सिजलर सिजलर रखते हो क्या, अलाउ नहीं है बट लिखा है यहाँ पे फायर है तुम्हारा हाउस। जयपुरी चटकारा, तो यहाँ पे क्या मिलता है, जयपुरी चटकारा लिखा हुआ है, पता नहीं साउथ इंडियन क्यों मिल रहा है यार यहाँ पे। नाम तो जयपुरी चटकारा है, तो आलू पूरी खाई वहाँ पे। तो बता दो क्या खा रहे हैं, आपने क्या ऑर्डर किया अभी। देखो पहली बात तो ये है कि आप कहीं घूमने जाओ तो वहाँ का जो चीज़ फेमस है वो खाना चाहिए, तो मुझे मन किया कि मैं कुछ टैंगी और चटपटा खाऊं, तो मैंने आज ऑर्डर किया दही वड़ा चाट। ये ख़त्म करने के बाद मैं इसी चीज़ में कुछ और ऑर्डर करके खाऊंगी जो कि चटपटी और टैंगी हो। बट ये इसका स्पेशल है क्या यहाँ का। नहीं मुझे खाया भी बड़े दिन हो गया और ये सब चीज़ें यहाँ अच्छी बनती है कम्पेयर टू साउथ, इसलिए मैं यहाँ खा रही हूँ। ठीक है, और आपने क्या मंगाया आपको दिखाते हैं आगे। कम से कम लोग कोशिश करेंगे कि 3-4 जगह ट्राई करें कुछ नया चीज़। बट मुझे जो लगता है कि नया चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसका टेस्ट अलग है और अच्छा है। हाँ बनाने का तरीका अलग है, बट वही चीज़ अगर आप डिफरेंट जैसे साउथ में खाओगे तो साउथ में ये वाला चीज़ का टेस्ट अलग रहेगा और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा, बिकॉज पूरी हो या आलू टिक्की हो या जो भी हो, ये बेसिकली नो नॉर्थ का ही है। बट यहाँ पे बैठने का अच्छा इंतजाम है, आप देख सकते हो। आप दिन में बैठोगे तो आपको धूप नहीं लगेगी, ऊपर से बड़े बड़े छाता लगे हुए हैं और नीचे सीमेंट का बेंच जिसे हम लोग बैठे हैं वहाँ पे। आई थिंक एक साथ करीब 200 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, बट माहौल अच्छा है। मतलब इवनिंग टाइम में किसी वीकेंड को आप आओ, इवनिंग को बैठो और कई सारे खाने का सामान आपको मिलेगा एक जगह, और कम्प्लीटली ये आप देख सकते हो कि इट्स वेरी हाइजीन एंड दिस प्लेस वेरी क्लीन, नॉट लाइक सम प्लेसेस वेयर यू हैव स्ट्रीट फूड्स, बट प्लेसेस आर नॉट दैट ग्रेट।
तो दिस प्लेस इज गो गुड ओपन ओपन एयर प्लेस ओपन एयर सेटिंग प्लेस तो रियली नाइस। तो आप अगर घूमने आ रहे हो अल्बर्ट हॉल तो आपका दोनों काम हो जाएगा, अल्बर्ट हॉल भी देख लो और फिर यहाँ पे मस्त का खाना खा के दो, है ना टिया? यस सर नो गाइस। मसाला चौक में हम मैंने अभी ऑर्डर किया है गलवाटी कबाब, लेट मी शो इट टू यू। आप देख सकते हैं गलवाटी कबाब। सो गलवाटी कबाब का कॉस्ट है 200 रुपीज और उसमें 7 पीसेज आए हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद द साइज ऑफ द पीस ओवर हियर, इट्स वेरी स्मॉल। वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है क्योंकि 200 रुपये में थोड़ा तो बड़ा पीस होना चाहिए। ओके, राजस्थान आए हैं तो कुछ नया ट्राई करना ही था तो ऑर्डर कर लिया, बट यहाँ पे और भी बहुत ऑप्शंस हैं और आप आराम से 600 to 700 रुपीस में भर पेट खाना खा के जा सकते हैं। तो जैसे देख सकते हो हमने यहाँ पे पूरी और ये आलू की सब्जी और ये रबड़ी ऑर्डर किया है। और ये क्या है? ये है रबड़ी फालूदा। अच्छा रबड़ी, हम लोग 2 दिन से रबड़ी खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है और क्वालिटी ऑफ रबड़ी ऑल्सो गुड, नॉट ग्रेट आउट से बट इट इज़ गुड। एंड ये क्या था? कबाब। मैं ऑलरेडी शूट ये गलवाटी कबाब है, मैंने अभी आपको बताया था। चलो खाते हैं, आपको बता दें कैसा टेस्ट है इसका, क्या टेस्ट है? ये कोई नॉर्मल कबाब जैसा ही लग रहा है। हाँ और बहुत डिफरेंट नहीं है, सॉफ्ट है, टेस्टिंग गुड बट साइज बहुत छोटी है। प्राइस क्या है इसका? 200 रुपीज में 7 पीस। 200? माय गॉड भाई साहब, ये बहुत महंगा है यार, अपना तो कट गया इसमें। कबाब की हालत देखो, लग रहा है गाजर की पीस है। और ये मैं चखता हूँ अभी आलू की सब्जी और पूरी। दिस इज नाइस, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और किफ़ायती है ये। 70 रुपये में 8 पूरी, अच्छे मोटे वाले पूरी, खस्ता पूरी है और आलू की सब्जी। राबड़ी थोड़ा महंगा लगा मुझे बट इट्स ओके, 50 रुपये। चखते हैं रबड़ी कैसा है। अरे मैंने सबसे ज़्यादा महंगा और ऑर्डर कर दिया है। रबड़ी ठीक ठाक है, नाइस, ट्राई करो, दिस नॉट हार्ड। आई ईट इट, दिस इज, आई डोंट सी हार्ड, गुड बिगर पीस क्या थोड़ा। ये चखते बता कैसा है और व्हाट इज द प्राइस? दिस इज 70 रुपीज, 70 रुपीज का था। नाइस, मीठा है, वैल्यू फॉर मनी, पेट भर जाएगा आपका। ओके, बट हमारा तो वर्डिक्ट है पूरी सब्जी और इसके साथ रबड़ी 120 में एक बंदा पूरा पेट भर के खा सकता है। मीठा के साथ दो बंदे, दो नहीं बट हाँ, मतलब डिपेंड करता है एपेटाइट के ऊपर, बट मुझे लगता है कि ऑन ऑन आपने दिखाओ दो 8 पूरियाँ एक बंदा खा लेता है। शॉप का नाम है मसाला चौक में, शॉप का नाम है हाउस ऑन फायर। वहाँ से मैंने, आवर पॉकेट इज ऑन फायर नाउ, पॉकेट इज ऑन फायर, गलवाटी कबाब लिया। इतने छोटे सोचा ही था इतना छोटा पीस देंगे, मुझे लगा डीसेंट पीस रहेगा, मुझे काफी छोटा निकला, डोंट गो फॉर इट। तो अपना आज का डिनर खत्म हो गया, अभी जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस और होम स्टे, वी कैन से सियाचिन विला। सियाचिन विला, आई लाइक द नेम सियाचिन विला। या तो खाना तो अच्छा लगा हमें, कुछ चीज़ कॉस्टली थी बट टेस्ट था सब में, जो भी 3-4 चीज़ें हमने खाई अच्छा था। ज़्यादा टाइम नहीं मिला, जैसे आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर में कि 10 बजे ये बंद हो रहा है, हमें पता नहीं था। वो हम लोगों ने एंट्री लगभग 45 मिनट्स पहले लिया था यहाँ पे 9:15 को, तो अगर और थोड़ा मौका मिलता हमें, टाइम मिलता, तो हम लोग और 2-3 चीज़ ट्राई करते और आपको बताते कि कौन सा सही है, कौन सा वाला शॉप में आपको जाना चाहिए। यहाँ पे करीब आई थिंक 30+ शॉप्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। इफ़ यू लाइक आवर ब्लॉग्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।